Thank you. धन्यवाद धन्यवाद चेयरमैन सर, मैं महत्वपूर्ण बिल पे समर्थन के लिए खड़ा हूँ। मैं सुना और सब हम लोग का ऑनरेबल मेंबर्स ने ये बोला, क्या एक नया दिशा में ये आइन को लेके जा रहा है। मेरा होम मिनिस्टर अमित शाह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्या नया जनरेशन के लिए एक नया आइन बनाया। मैं उनका एक इम्प्रेसिव बात मेरे को लगा, वो लोकसभा में बोला, मैं केवल एक क्रिमिनल लॉज के बारे में पढ़ा ही नहीं, 158 टाइम्स मीटिंग किया और पढ़ा भी, कॉमा फुल स्टॉप सब पढ़ा। ये मतलब है ये जीरो एरर बनाने के लिए एक आइन व्यवस्था लाया है, जो केवल खाली एडवोकेट के लिए नहीं, जनरल आदमी के लिए लॉज लाया है। आईपीसी और अदर्स जो तीन आइन अभी नया के, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल, इसमें जो परिवर्तन लाने का प्रावधान किया और आज पास ही हो जाएगा, इसके बाद ये अपराध और अपराधी का बीच में जो रिलेशन है ये भी कम होगा मेरे को लगता है। न्यू जनरेशन इसके बारे में ज़्यादा जानना भी चाहता है और न्यू जनरेशन फ्रेंडली, मैं चाहता हूँ कि नया जनरेशन नया लॉ मांगता है। और ब्रिटिश टाइम का तो बनाया हुआ लॉ, इसको हम लोग का देश का ही आदमी इसको मिसयूज़ किया था। और इस टाइम मैं चाहता हूँ कि हम लोग का प्राइम मिनिस्टर, सबसे विश्व गुरु बनने वाला हम लोग का नेता नरेंद्र मोदी जी का इच्छा से और अमित शाह जी का कारण से ये आइन एक ऐसा आइन में बदल जाएगा जहाँ पर अपराधी अपराध करने में डरेगा। इसीलिए क्या न्याय तो ठीक है, न्याय से दंड से न्याय जाएगा वो भी ठीक है, लेकिन दंड का भी प्रावधान जो है, इसके लिए मैं चाहता हूँ क्या सबको इसका जानकारी होना चाहिए, क्यों दंड कितना होगा, क्या प्रावधान है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हम लोग का ऑनरेबल मेम्बर्स लोग को इसको भी पूरा हम लोग का क्षेत्र में बताइए, देश को बताइए, क्या जो परिवर्तन आ रहा है ये परिवर्तन कैसे होगा, ये परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि वो 140 करोड़ का बीच में एक जो तीन लॉ है, ये लॉ कितना कार्रवाई होगा इसका ऊपर डिपेंड करके हम लोग उसको कितना नीचे तक ले जा सकते हैं, क्योंकि रेपिस्ट है, मर्डर है, आतंकवादी का जो बात ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने बोला, अमित शाह जी ने एक इतना स्ट्रांगली बोला, मेरे को ये भी हम लोग को छू गया, क्या देश को विरोध करने वाला को हम छोड़ेंगे नहीं, हम लोग का अगेंस्ट में बोलो आपत्ति नहीं है, लेकिन देश का बीच में, देश का अगेंस्ट में बोलना बहुत ये डेंजरस है और इसके लिए कोई क्षमा भी नहीं है। चेयरमैन सर, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में बहुत उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन था, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों ऐसे एक व्यवस्था किया जहां पर अभी तक पूरा शांतिपूर्ण एक व्यवस्था है, आप जानते हैं इसके लिए, लेकिन ये आइन प्रयोग करना नहीं पड़ा, ये खाली इन्फ्लुएंस से हो गया। मैं इसीलिए ये दोनों नेता को, हम लोग का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूँ, क्या ये नॉर्थ ईस्ट को बना लिया। नॉर्थ ईस्ट एक हाफ था उग्रवादी का, अभी ऐसा व्यवस्था किया है वहाँ पर उग्रवादी सोचने के लिए कोई इच्छा भी नहीं करता और अभी मेन स्ट्रीम में आ गया। ये भी ये कारण ऐसा है क्या, उन लोग की पता चला ये हम लोग का जो पार्टी है, ये पार्टी केवल बोलता नहीं है करता भी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लेड ये हम लोग का जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट का जो नया लॉज लाया है थ्री लॉज, ये तीनों आइन अभी आज ही आज हम लोग पास करने के बाद में बदल जाएगा। मैं चाहता हूँ क्या इसको हम लोग पूरा इसके ले जाए और पुलिस विभाग जो इसको कार्य करना, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इन लोग भी थोड़ा बहुत इसका ऊपर में सम्मान भी रखना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम पुलिस ने भी मिसयूज़ किया, जिसका कारण अभी जो बोल रहे हैं मैक्सिमम मेंबर्स लोग बोल रहे हैं FIR दर्ज करने का, अभी तो पूरा टाइम बाउंड हो गया। मैं चाहता हूँ कि टाइम बाउंड का कारण से जिसका मानसिकता में खुद भी था वो ठीक हो जाएगा। होम मिनिस्टर ने इसको ठीक से पढ़ा और करने का टाइम में सबका साथ विचार किया, मैं समझता हूँ सीरियस, इतना सीरियस लॉ अभी तक जितना लॉ बना है सबसे सीरियस लॉ ये भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जताता हूँ, क्या महिला से लेके और सबके लिए ये आइन इतना सुलभ हो गया और आइन ऐसा है न्याय देने का जो विचार है, विचार मेरे को, मैं बोल के नहीं, पूरा हम लोग का जो पार्टी है और पार्टी बियॉन्ड भी बोल रहे, मैं नहीं जानता हूँ क्या कांग्रेस क्या बोल रहे, लेकिन मैं फिर भी ये हम लोग का होम मिनिस्टर ऑनरेबल अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर को भी धन्यवाद देता हूँ। रामचंद्र जांगड़ा।